अहमदाबाद एक समय में जो गांधी जी की कर्म भूमि हुआ करता था, गुजरात का बेहद आकर्षक शहर है जिसे गुजरात का हृदय कहा जाता है। ये वो भूमि है जहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, इसीलिए इस शहर के बारे में हर भारतीय को जानना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अहमदाबाद के कुछ अनसुनी और काफी इंटरेस्टिंग बातें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। साबरमती नदी के तट पर स्थित अहमदाबाद गुजरात की पूर्व राजधानी और राज्य का सबसे बड़ा शहर है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा पाने वाला हिंदुस्तान का पहला शहर अहमदाबाद दुनिया में मास्टर बिजनेसमैन के नाम से मशहूर है। इस शहर का नाम सुल्तान अहमद शाह ने अपने नाम पर रखा था। चारों दिशाओं से दरवाजों से घिरा हुआ शहर है अहमदाबाद। जिसने भी इस शहर की सैर की है उनको पता होगा कि अभी का अहमदाबाद दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली। कई महत्वपूर्ण उद्योगों का घर होने के अलावा अहमदाबाद कई राजसी स्मारकों का भी आवास है जो हमें शहर के महान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अतीत की याद दिलाते हैं। ये शहर वास्तुकला का शानदार नमूना पेश करता है जिसमें किले और दरवाजों के साथ साथ कई शानदार मंदिर, मस्जिदों और मकबरे हैं। साबरमती आश्रम और मंदिरों, मस्जिदों सहित झीलों के लिए भी पर्यटक यहाँ खिंचे चले आते हैं। अहमदाबाद के मुख्य आकर्षणों में से एक है झूलती मीनारें। इस जोड़ी वाले मीनारों की खास बात यह है कि जब एक मीनार हिलती है तो थोड़ी देर बाद दूसरी मीनार भी हिल जाती है। क्या आपको पता है भारत के 10 सबसे अमीर और विकसित शहरों में आता है अहमदाबाद। गुजरात के जीवंत शहरों में से एक अहमदाबाद की GDP करीब 64 अरब USD है। कई सारी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां इस शहर में स्थित हैं। डेनिम का सबसे बड़ा सप्लायर होने के साथ साथ ये जवाहरात और गहनों का भी सबसे बड़ा निर्यातक है। अहमदाबाद गुजरात की आर्थिक राजधानी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्रछाया में ये शहर तेजी के साथ एक वित्तीय केंद्र के रूप में उभरता नजर आया है। यहाँ रोजी रोजगार से लेकर हर तरह की सुविधा किफायती मूल्य में मिल जाती है जिसकी तुलना अब मेट्रो शहरों से की जाने लगी है। दुनिया भर के खानों का स्वाद अगर आपको एक ही जगह पर चाहिए तो बिना कुछ सोचे समझे अहमदाबाद की भुक्कड़ गली में चले आइए। यहाँ आपको देश और दुनिया का बेहतरीन स्वाद चखने को मिलेगा। इस भुक्कड़ गली में शाम 6 बजे से रौनक लगनी शुरू हो जाती है जो देर रात तक चलती है। यहाँ मैक्सिकन, थाई, चाइनीज, स्पेनिश और लेबनीज खानों की चीजें इंडियन स्टाइल में किफायती दाम में मिल जाएंगी। यहाँ का वन स्लाइस पिज्जा, तंदूरी मोमोज, पजीता राइस और फलाफल बहुत फेमस है। अहमदाबाद की नाइट लाइफ भी काफी चर्चित है। यहाँ पर कई फेमस लाउंज हैं जहाँ शाम के समय पूरे दिन की थकावट को मिटाया जा सकता है। इन लाउंज में लाइव संगीत के साथ धीमी रोशनी में समय बिताने का एक अलग ही मजा है। अहमदाबाद के सबसे अहम यहाँ के लोग हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अहमदाबाद विकास के पथ पर अग्रसर है और आज भी अहमदाबाद अपने लोगों के दिलखुश स्वभाव के कारण प्रसिद्ध है। वे जीवन को एक बहुत ही सरल तरीके से जीने में विश्वास करते हैं और अपने जीवन के हर पल का मजा लेते हैं। वो लोग खाने पीने का भी बहुत ज्यादा शौक रखते हैं। गुजराती अहमदाबाद में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों, आपको अहमदाबाद कैसा लगा और क्या आप कभी अहमदाबाद घूमने गए हो, नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।